दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में नामांकन के लिए क्लास 11th में नामांकन के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप जानेंगे कि आपका चयन किस कॉलेज के लिए हुआ है, आपका नाम जो है किस कॉलेज भेजा गया है। अब देखिए, जब नाम आपका किस कॉलेज भेजा गया है तो इंटीमेशन लेटर आपको प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि इंटीमेशन लेटर कैसे आप जो है कि डाउनलोड करेंगे। तो चलिए, आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे, तो पहले आपको गूगल में एंटर करना होगा। जो OFSS का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है www.oF। यहाँ पर देख सकते हैं कि आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट, वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पर नामांकन से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी, 11th 12th का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन भी मिलेगा, और साथ ही आपको यह भी जानकारी दी जाएगी कि आपके मनपसंद कॉलेज में आपका जब नाम नहीं आया है तो आप अपने मनपसंद कॉलेज में नाम कैसे कराएंगे, कैसे एडमिशन अपने मनपसंद कॉलेज में कराएंगे। साथ ही आपको एडमिशन के लिए आवश्यक कौन कौन से कागजात ले जाना है, और कब तक एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर कब तक होगा, इन सभी चीज़ों को जानकारी हेतु इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एक एक चीज़ का वीडियो इस चैनल पर डालने वाला हूँ, कुछ देर के बाद इस चैनल पर डालूंगा कि आपको क्या सब कागजात ले जाना है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे तो वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। तो पहले यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदक इंटरमीडिएट कक्षा में अपने चयन एवं नामांकन से संबंधित महाविद्यालय एवं संकाय की जानकारी प्राप्त करने अपना सूचना पत्र इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हेतु यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर टच करेंगे, करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेज आपको कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। ये पेज ओपन हो चुका है। होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर बार कोड नंबर देख रहे हैं, तो आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया है उनका प्रिंट आपके पास होगा। तो ऊपर में देखिएगा कि जो है कि आपको राइट साइड में आपको डिजिट और लेटर अंकित रहेंगे, इंटरमीडिएट ऐसे बार कोड का भी चिन्ह रहेगा उसके ऊपर में, जो है उनको इसमें दर्ज करना है, और साथ ही मोबाइल नंबर दर्ज करना है, जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते हैं यानी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त दिया था। उसके बाद यहाँ पर है कि कैप्चा भर देना है, भरने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंट पर टच करना है। तो आइए एक का हम जो है बारकोड नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा भर के टच करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमने बारकोड, मोबाइल नंबर, कैप्चा डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर प्रिंट पर टच करेंगे, टच करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार से ऊपर आ जाएगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाइए, देखिए नाम आ चुका है, आपको ऊपर फेंक देगा, लगेगा कि आप पुनः एकदम सब चीज़ डालिए, ऐसा नहीं होता है, नीचे में नाम आ जाता है। देखिए स्टूडेंट का डिटेल आ गया है, अंकित कुमार सिकंदर महतो। फिर देखिए इनका जो है एलोटेड कॉलेज नेम मधेपुरा इंटर कॉलेज मधेपुरा में नाम आ चुका है, यानी इनको मधेपुरा इंटर कॉलेज मधेपुरा मिला है। देखिए स्ट्रीम है साइंस। अब यहाँ पर डाउनलोड इंटीमेशन लेटर, तो यहाँ से आप इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जान चुके हैं कि किस प्रकार से आप इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड करेंगे। अभी तुरंत एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि आपको क्या सब नामांकन के लिए लेके जाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि कैसे क्या सब कागजात लेकर के जाना है, ताकि कॉलेज जाने के बाद घूर के आना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।